from this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic in accordance with the provisions of the said constitution. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम हर साल हमारा गणतंत्रता दिवस या फिर रिपब्लिक डे सिर्फ 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो आप में से बहुत लोगों का जवाब ये होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारा संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को हमारा गणतंत्रता दिवस या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो हमारे देश के नेताओं को आखिर 3 साल का इतना लंबा वक्त क्यों लग गया हमारे संविधान को लागू करने के लिए, या फिर जब 1947 में हमारा देश आजाद हो ही चुका था तो हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत थी। 26 जनवरी से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे तरफ से हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जिस दिन अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन फिर भी हमें हमारे ही देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमें हमारे ही देश में कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, हमें हमारा संगठन या फिर एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब हम आजाद तो हो चुके थे लेकिन फिर भी हम अभी गुलाम थे। तो इसी गुलामी से आजादी के लिए हमारे देश को जरूरत थी एक कानून की, एक संविधान की, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमें ये बता सके कि हम हमारे ही देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे देश में अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है और हम हमारे ही देश में कहीं भी घर खरीद सकते हैं, हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एग्जीक्यूटिव हमारे ऊपर कोई भी गलत कानून नहीं लगा सकती जैसा कि अंग्रेज हमारे ऊपर लगाया करते थे। तो इन्हीं सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारे देश के कुछ लीडर्स ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन से हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हुए थे। 9 दिसंबर 1946 ये वो तारीख है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी जिसके मेंबर्स के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था और इसे लीड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनकर तैयार होने में लगे थे कुल 11 महीने और 17 दिन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946। अगर आप इसमें 11 महीने और 17 दिनों को जोड़ देंगे तो जो डेट सामने आएगी वो डेट है 26 नवंबर 1949। तो अब आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, तो उसे उसी दिन लागू क्यों नहीं किया गया? आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में 2 महीने का डिले क्यों किया गया? तो इस सवाल के पीछे भी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन है और ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1928 में। दिसंबर 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक रिजोल्यूशन या फिर एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डोमिनियन स्टेटस की मांग की और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का समय दिया। यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगी लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो यूनाइटेड किंगडम का एक मोनार्क ही होगा। यहाँ पर मोनार्क का मतलब है वहाँ के राजा या रानी। लेकिन 1 साल का समय बीत जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये कहा कि इंडिया अभी डोमिनियन स्टेटस के लिए तैयार नहीं है। 31 दिसंबर 1929 ये वो तारीख थी जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा चल रही थी लाहौर में और इसी सभा में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे भारत का झंडा लहराया था और साथ ही ये घोषणा की थी कि बहुत जल्द हम हमारा स्वतंत्रता दिवस साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के चलते 2 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने यह डिसाइड किया कि जनवरी 1930 का जो आखिरी रविवार होगा उस दिन हम पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट करेंगे और लकीली ये दिन था 26 जनवरी का। और इसी दिन की इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाने के बावजूद उसे डिले किया जाएगा 2 महीने के लिए और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली स्टार्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 इसी दिन हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रेसिडेंट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही पावर में आया और इसी दिन से इंडिया बन गया एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री।
और दोस्तों आपको यहाँ पर ये बात भी पता होनी चाहिए कि 26 नवंबर को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस। और 26 जनवरी का तो आप सबको पता ही है। तो ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।